2024 की राजनीति बाहुबली के कंधे पर जीतेंगे या लड़ेंगे आप लोग, कहा जा रहा है ऐसा। राजनीति के बहुत बहुत बड़े बड़े पंडित कह रहे हैं 2024 के लिए नीतीश कुमार बाहुबलियों का साथ लेंगे, जिसमें से एक है आनंद मोहन। देखिए प्रीति जी, कौन बाहुबली है और कौन भी कितने बड़े हैं ये तो चुनाव में जनता बताएगी। और बाहुबली से चुनाव नहीं जीता जाता है। और बाहुबली और अपराधी कौन इस्तेमाल करते आ रहे हैं ये सारा लोग जानता है। तो क्या माहौल बनाया जाता है? जहाँ तक आनंद मोहन जी की बात है, आपने अभी बताया कि आरजेडी के पूर्व सांसद आनंद मोहन जी ना आरजेडी में है, ना जदयू में है, ना बीजेपी में है। वह किसी भी दल में सांसद पूर्व सांसद नहीं है। वह पूर्व सांसद से पहले जदयू के सांसद हुआ करते थे, उसके बाद वो जेल चले गए। तो अभी तो बोले आप किसी उनका कोई अभी राजनीति नहीं, फिर अभी कह रहे हैं जदयू के सांसद नहीं। तो क्या गलत बोल रहे हैं हम लोग, तो सांसद हैं ही, पूर्व सांसद थे वो। पूर्व सांसद थे तो पूर्व सांसद आरजेडी के नहीं थे, ये मैंने आपको कहा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हम ये कहें कि डीएम जी कृष्णैया के हत्या के मामले में जेल गए आनंद मोहन, रात के अंधेरे में 3 से 4 बजे के सुबह के आसपास उन्हें जेल से रिहा किया गया, 1 बजे का समय था। किन कारणों से, क्या लगता है आपको, किन कारणों से रात के अंधेरे का सहारा लिया गया होगा मनु जी? तो पहले तो ये आप बताइए कि 1 बजे का टाइम किसने दिया था? बिहार सरकार ने दिया था कि डीएम ने दिया था? सरकार में आप हैं, आप बताइएगा, हम थोड़े ना सरकार हैं, हम तो एंकर हैं। कोई नहीं समय दिया था, कोई समय नहीं दिया था कि 1 बजे निकलेंगे कि 11 बजे। आपके कई चैनल सारे 11 बजे लिख रहे थे, तो 1 बजे लिख रहे थे। और आपके अंधेरे, और ये क्या होता है, पूरे सहरसा में 25 से 30 हजार लोग आ गए, तो वहाँ हमको नाटक इनको करना था क्या? हाँ। वो अपना निर्णय लिए, उनके रिहा के आदेश पहले ही जेल को मिल चुका था। उन्होंने बताया होगा कि हमको सवेरे निकलना है, वो अपने शादी, बेटे के शादी को लेके उसमें वो व्यस्त हैं। अब कहाँ गए नहीं गए, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं।